नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से धर्मेंद्र सिंह की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। गोवर्धन में राशन डीलर से परेशान ग्रामीणों ने राशन डीलर की शिकायत अधिकारियों से की है। आपको बता दें कि यह राशन डीलर का कोई पहला मामला नहीं है। राशन डीलर से ग्रामीण परेशान है और ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की है। आए दिन ऐसे मामले सुनने को मिलते ही रहते हैं। ऐसा ही मामला गोवर्धन के भरना कला का सामने आया है, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर डीलर की जांच करने इंस्पेक्टर पहुंच गए। जैसे ही जांच होने की जानकारी मीडिया कर्मियों को हुई, मीडिया कर्मी भी कवरेज करने पहुंच गए। इंस्पेक्टर के निकलते ही राशन डीलर का बेटा आग बबूला हो गया और ग्रामीणों और मीडिया कर्मियों को अभद्रता करनी शुरू कर दी। अभद्रता के कारण जल्द ही जान से मारने की धमकी भी दे डाली राशन डीलर के बेटे ने। हालांकि इस मामले में राशन डीलर के बेटे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। आपको बता दें कि डीलर के खिलाफ शिकायत होती है किंतु कार्रवाई नहीं होती है जांच के बावजूद। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ओम प्रकाश डीलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओम प्रकाश डीलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या नाम है आपका? कमला। कमला, ये कौन सा गांव? नगला। आपका? रामावती। ये कौन सा गांव है जी? नगला। तो राशन डीलर के उपलक्ष में क्या शिकायत है आपकी? आप कुछ ना दे, साल घंटे मिले ही ना। कब से नहीं मिला? साल भर है नहीं। एक साल से अभी तक आपको नहीं मिला? टाइम ना लगा सर, ना बालकन को लगा, ना मार लगा, गए ना लौटे, लौटा दिए ना दियो। अच्छा, दिया ही नहीं है। क्या क्या कहते हैं वो? लिस्ट में नाम ही नहीं, उठा नहीं लगा तो किससे नहीं मिलेगा। अच्छा, तो अभी आला अधिकारी यहाँ पर आया आपूर्ति विभाग गोवर्धन से, तो इनसे आपने शिकायत की? अधिकारी क्या कहते हैं? अच्छा, तो आपको राशन नहीं मिलता? नहीं। तो मिट्टी का तेल वगैरह? तेल ये खरीदते हैं वो साल में जाते हैं। आपका? देवगिरी। ये कौन सा गांव है? भरना कला। ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? चौमा जी। क्या समस्या है आपको राशन डीलर के उपलक्ष्य में? पहले ये घर पर आकर फिंगर प्रिंट लगवा कर हमको राशन दे दिया करते थे जी। इन्होंने स्लिप दी थी मेरे लिए जी। हमें दो बार राशन मिल चुका था, इसके बाद इन्होंने चार महीने तक राशन नहीं दिया हमें, पर उन्होंने ये कह दिया। फिर हमने इस कंप्लेंट नंबर पर कंप्लेंट भी की थी तो वहाँ से फोन भी आए थे, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आपको आपका राशन लिस्ट में नाम नहीं है, जबकि हमारे पास राशन कार्ड था और हमारे पास वो स्लिप भी है, लेकिन इन्होंने राशन कार्ड राशन नहीं दिया हमें। कई बार क्या कह देते हैं? ये कहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है और राशन अभी मिला नहीं है या फिर डेट निकल गई है, ऐसे कह देते हैं। लिस्ट में नाम नहीं है तो राशन कार्ड कैसे बन गया? तो ये फिंगरप्रिंट भी तो लगा के ले गए थे, हर बार हमारे हफ्ते आ जाते जैसे हर महीने पे, तो ये फिंगरप्रिंट से वो करा देते, राशन मिल नहीं पाता था। राशन नहीं मिलता उससे पहले भी अंगूठा लग जाता था। राशन डीलर का? ये ओम प्रकाश है। नंद किशोर पांडे। ये कौन सा गाँव? भरना कला जी। क्या समस्या है आपको राशन डीलर के? राशन नहीं मिलता साहब। कब से नहीं मिल रहा है? एक बार दे दियो, दो तीन बार, दो महीना जी, फिर वाग बाद में छह महीना ना दियो जी, अब तीन महीना से ना दे रहो जी। जाते जब जो कहते तो बन गई शाम को आ जाइयो 8 बजे से, 8 बजे पहुंचते जब कहते तो बन गई, अब तो सुबह ही अब तो तारे पूछे लग गए। अच्छा, राशन डीलर से आपने ये कहा शाम को 8 बजे सीख वितरण होता है? 8 बजे आ जाइयो, रात को कोई ना हो जाओ। अच्छा, जो आला अधिकारी जो आप पूर्ति विभाग से गोवर्धन से आए हैं, आपने उनसे शिकायत की अभी? खूब शिकायत कर देते, कल ले जाते खाना पूरी, दाम ले जाते, घर बैठ जाते अपने। अच्छा, सही बात। और कोई शिकायत? ये है कि ये डीलर बिल्कुल निरस्त है, जाए कोई बढ़िया है स्वभाव है, हर महीना टाइम टू टाइम सबको, गरीब को अमीर को सब कुछ। रवि काम शर्मा। ये कौन सा गांव है? ये भरना कला गांव है। ये क्या समस्या है आपको राशन? समस्या ये है सर, राशन नहीं मिलता है यहाँ पे 4 महीने से। जी, कब से? और पहले करीब 2-3 महीने का मिला है, फिर उसके पहले भी कभी नहीं मिला और अब 4 महीने से नहीं मिल रहा है। क्या कह देते हो?
गुमराह कर देते हैं कि है नहीं है, आएगा तब मिलेगा, 5 तारीख को मिलेगा, 15 को मिलेगा, 20 को मिलेगा, ऐसे ही करके गुमराह कर देते हैं, 4 महीने से नहीं दे रहे। फिर इसकी शिकायत अपने किसी आला अधिकारी को आपूर्ति विभाग में कहेंगी? नहीं, कहीं नहीं की सर हमने। अभी यहाँ आपूर्ति विभाग से कुछ आला अधिकारी आए, इनसे शिकायत की आपने? हाँ, इनसे की है, हमने लिखाया है सब कुछ जो हमारे सामने प्रॉब्लम है। तो क्या कह रहे हैं अब? वो कह रहे हैं कि आगे हम जाके समस्या सॉल्व कराएंगे, आपकी आपको राशन दिलाया जाएगा, अब इस तरीके से कह रहे हैं। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो हमें समय पर मिले, हम ये चाहते हैं। 4 महीने से कुछ नहीं मिल रहा है और कहते हैं तो कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी ये हुआ, ऐसे ही करके। और जो अपने 10-20 आदमी हैं गांव में जो संपर्क किए हैं, उनसे जैक जुगाड़ कर रहे हैं, जो गरीब आदमी हैं, कमजोर हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है।